Hi guys, welcome back वेलकम बैक टू Welcome चैनल वेलकम बैक टू येट and welcome वीडियो एंड वेलकम बैक टू setup. न्यू सेटअप आई होप are doing फाइन एंड अभी सबसे पहले नीचे जाओ और मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको ये सेटअप कैसा लगा ऑल दो ये सेटअप अभी कंप्लीट नहीं है अभी इसमें काफी सारे एलिमेंट्स मैं और ऐड करने वाली हूँ और वही सब मैं आपको आज की वीडियो में दिखाने वाली हूँ तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा कि मैं अपने रूम को एक मेकओवर दे रही थी जिसमें काफी टाइम लग गया बिकॉज आपने देखा होगा कि मैं शॉपिंग तो जा रही थी बट मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा था एक दो चीजें जो पसंद आई थी वो मेरे एस्थेटिक को मैच नहीं कर रही थी मुझे ऐवी पसंद आ गई थी जो मैंने ली नहीं तो मैंने लास्ट में जाके था खाड़ के फिर अमेजोन से ही ऑर्डर कर दिया बिकॉज लास्ट ऑप्शन तो वही था तो मेरा सारा एमेजोन का प्रोडक्ट्स डिलीवर हो चुके हैं तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं अफोर्डेबल होम डेकोर हॉल सो so, अगर आप एक्साइटेड हो देखने के लिए कि मैंने क्या सब चीज़ें मंगाई हैं अपने रूम को सजाने के लिए तो इस वीडियो को ज़रूर आप एंड तक देखना और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन हम बहुत क्लोज हैं 1000 सब्सक्राइबर हिट करने के और वन थाउजेंड हिट करते ही एक बहुत मैसेव गिवेवे मैंने प्लान किया है तो प्लीज़ 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 प्लीज हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन एंड

प्लेन वॉल uh, से बोर हो गई थी उसमें कलर्ड लाइट लगा लगा के और मैं जितने भी प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर करूंगी सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी सो डोंट यू वरी एंजॉय दिस वीडियो तो सबसे पहले प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट करते हैं जो मैंने सबसे पहला प्रोडक्ट मंगाया था वो है ये फोटो फ्रेम काफी अच्छी पैकेजिंग में आया है बाहर ये अमेजॉन की कार्डबोर्ड पैकेजिंग है फिर अंदर सेलर ने अपनी भी कार्डबोर्ड के पैकेजिंग दी है उसके बाद जो अंदर फ्रेम है वो प्रॉपर एक बबल रैप में आया है तो डैमेज का कोई चांस नहीं था इस बार मेरे के पास एक भी प्रोडक्ट डैमेज कंडीशन में नहीं आया था तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर दैट वरना फिर रिटर्न वगैरह करने में टाइम लग जाता है सो दिस इज व्हाट द फ्रेम लुक्स लाइक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है इसमें लिखा है बिग ओ सॉरी इसमें लिखा हुआ है स्ट्रांग वुमेन ड्रीम बिग सो मैं एक फ्रेम ढूंढ रही थी विद ब्लैक बॉर्डर एंड देयर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस ऑन Amazon आप देखना काफी सारे डिफरेंट कोट्स और डिफरेंट प्रिंट्स एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट्स और बहुत सारे फोटो फ्रेम्स फ्रेम आप इसके पीछे से uh, इसको रिमूव करके अपना भी कोई फोटो इसमें लगा सकते हो बट मैंने ये वाला इसलिए लिया बिकॉज इसमें जो कोट लिखा था वो मुझे एक बारी में पसंद आ गया था आफ्टर दैट ऑल्सो मुझे काफी सारे कोट्स पसंद आए थे बट नॉट लाइक दिस वन बिकॉज दिस इज समथिंग दैट आई स्ट्रांगली बिलीव इन बिकॉज यू बिकॉज आई बिलीव दैट यू हैव टू ड्रीम बिग सो दैट यू अचीव बिग सो दिस इज समथिंग दैट

क्वालिटी एंड वेरी लाइट नॉट वेरी हैवी ऑल्सो तो सही है प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे ये अच्छा लगा अब बात करते हैं से, सेकेंड प्रोडक्ट की जो मैंने मंगाया था वो था एक आ, ग्लास ट्रे तो वो मैंने यहाँ अपने बैकड्रॉप पे रखा हुआ है सो दिस इज द ट्रे दैट आई गॉट यहाँ पे पूरा मिरर लगा हुआ है सो यू कैन यू नो सी यो एंड दिस इज ऑल ग्लास और उसके बाद ये जो मेटल uh, फ्रेमिंग है ये पूरी गोल्डन कलर में है काफी ज्यादा सुंदर और एस्थेटिक लगता है बहुत ही यू नो मिनिस्ट कलर्स है कुछ ऐसा बोल्ड छटाक कलर नहीं है बहुत ज्यादा सुंदर और एलिगेंट लगता है इसको जब आप एमेजन पे देखोगे तो ये आपको काफ़ी सारे डिफरेंट शेप्स में मिल जाएगा और कुछ कुछ इसमें ऐसे आते हैं जिसके ऊपर से लिड भी होती है और चेन से अटैच होती है. तो अगर आपको कोई चीज़ इसमें रखनी है, अच्छे से सजा के, ओ, सी है आपको कर सकते हो सो अ वेरी गुड ऑप्शन मुझे काफी टाइम से लेना था ओ, फिर मैंने अमेजोन से ले ही लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है इसी के साथ बात कर लेते हैं अपने थर्ड प्रोडक्ट की तो ये भी मैंने अमेजोन से ही मंगाया है ये है अल्फाबेट लेटर शेप में ये एलईडी लाइट है इसमें ये बल्ब्स लगे हुए छोटे छोटे मैंने वार्म व्हाइट कलर में मंगाया था यहाँ पीछे ऑन ऑफ स्विच है और इसमें आपको बैटरी डालनी होती है सो so, मैं चीज़ें मोस्टली ऐसी ही मंगाना चाहती थी जिन्हें मुझे पावर पे प्लग ना करना पड़े बिकॉज आई हैव वन एक्सटेंशन बोर्ड और बार बार उनको फिर प्लग करना और वायर दिखते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता है सो आई गॉट दिस बैटरी ऑपरेटेड वन और मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है काफ़ी अच्छी क्वालिटी है पहले मैंने गलती से दो ऑर्डर कर दिए दे थे देन आई रिटर्नड वन सो या दैट इज़ दैट काफ़ी अफोर्डेबल है इसमें आपको काफ़ी सारे लेटर्स नंबर्स यू uh, नो you know, बहुत सारे डिफरेंट डिजाइन मिल जाएंगे देन यू गेट दोज लव फैमिली ऐसे वर्ड्स भी बने हुए इसमें मिल जाएंगे तो आप लोग देख सकते हो आपको जैसा भी चाहिए आप ले सकते हो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है यू कैन चेक इट आउट देन द नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज दिस ये एक फर का क्लॉथ uh, पीस है ऐसे सर्कल शेप में है ये सी द शेप एंड द साइज ये इतना बड़ा है तो so, मैं इसे काफी टाइम से ढूंढ रही थी बट मुझे ये मिल ही नहीं रहा था फाइनली जाके मुझे ये अमेजोन पे अच्छे प्राइस पे मिल गया तो मैंने इसे ले लिया सो so, ये मैंने क्यों लिया है बिकॉज कई बार मुझे अपनी रील्स वगैरह बनाते टाइम ना प्रोडक्ट शॉट्स लेने होते हैं सो so, ये काफ़ी ज़्यादा अस्थेटिक लगता है नीचे और वाइट कलर है ना तो बहुत ही अच्छा लुक देता है एंड इट इज़ अ वेरी वेरी सॉफ्ट बड़ा मज़ा आ रहा है इसको यूज़ करने में इसको आप जैसे अपने साइड टेबल या सेंटर टेबल अगर इस साइज़ का है तो आप उसके ऊपर भी रख सकते हो और अगर आपको कोई एक छोटा सा क्यूट सा कोजी कॉर्नर बनाना है तो आप इसे रख की तरह भी यूज़ कर सकते हो सो इट इज़ अ वेरी वेरी मल्टी यूज थिंग और काफ़ी ज़्यादा सुंदर और अच्छी क्वालिटी का है तो आप इसे डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो इफ़ यू आर लुकिंग आउट फॉर समथिंग लाइक दिस एमेजोन पे काफ़ी सारे डिफरेंट शेप्स और साइजेस भी अवेलेबल है तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसे ले सकते हो सो नेक्स्ट चीज जो मैंने मंगाई है वो है ये सेट ऑफ फोर फोटो फ्रेम्स सो ये एक ऐसे कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आए थे और ये अंदर से भी काफ़ी अच्छे से पैक थे इसकी पैकिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी मतलब जिस तरीके से इसे पैक किया गया था अभी तो मैंने हटा दिए हैं सारे कॉर्नर्स वग़ैरह वो फोम होता है ना उससे सिक्योर किए थे तो कोई भी डैमेज का चांस नहीं था आई वाज वेरी वेरी इम्प्रेस विद द वे दीज वो पैकड तो ये है सेट ऑफ फोर फोटो फ्रेम्स मैंने ये बेस कलर में मंगाए हैं बिकॉज़ आई वॉन्टेड टू हैव दैट न्यूट्रल एस्थेटिक विदाउट अ लॉट ऑफ पॉप ऑफ कलर्स तो मैंने फ्रेम्स बेस कलर के लिए हैं और अंदर अंदर जो कलर्स है ना दैट विल जस्ट एड अ बिट पॉप ऑफ कलर टू द रूम तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे मैं दिखाती हूँ आपको uh, तो ये अलग अलग साइजेज में है ये इनमें साइड में ये भी लगा हुआ है तो इनको आप हटा सकते हो मैं भी बाद में हटाऊंगी सो so, ये स्क्वायर शेप में है दिस इज वॉट दिस प्रिंट लुक्स लाइक देन दिस इज अगेन द सेम साइज स्क्वायर में है एंड दिस इज वॉट द यू नो प्रिंट लुक्स लाइक देन ये दो बड़े हैं दीज आर रिकटेंगल्स वर्टिकल रिक्टेंगल्स और इनमें ये दो प्रिंट है तो काफ़ी ज्यादा मिनिमलिस्ट प्रिंट है मुझे कुछ ऐसा बहुत ज्यादा नहीं चाहिए था एंड स्पेशली वन थिंग आई डिड नॉट वॉन्ट वॉज ऑल द फ्रेम्स हैविंग कोर्ट्स ऑन इट क्योंकि फिर ना बैकग्राउंड में ज्यादा ही लिखा होना तो फिर वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है तो मैंने सिर्फ ये लिया है जिसमें कुछ लिखा है एंड इट सेज बी राइट बी यू एंड दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू इनकॉर्पोरेट इन माय लाइफ तो इसको रोज पढ़ूंगी तो आ, दिमाग में बैठी रहेगी चीज ये वुड है और काफी ज्यादा लाइट वेट है उतना ज्यादा हैवी नहीं है तो अगर आप वॉल वगैरह पे हैंग भी करोगे तो छोटी नेल पे भी ये हैंग हो जाएगा और हैंगिंग के लिए भी पीछे ये दो दे रखे हैं तो आप इसको वर्टिकली uh, और हॉरिजॉन्टली दोनों ही कर सकते हो एंड देन पीछे आपके पास वो हुक्स हैं तो आप इसको हटा के अपना भी कोई फ़ोटो लगा सकते हो इसमें और ये भी ग्लास नहीं है ये प्लास्टिक है तो ये सबसे बड़ी चीज़ थी जो मैंने ध्यान में रखी है बिकॉज़ आई डेंट वॉन्ट ग्लास फ्रेम्स क्योंकि कभी अगर गिर गए ना तो वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं एंड आई डिड नॉट वॉन्ट ऑल दैट फर्स्ट तो मैंने ये सारे प्लास्टिक वाले फ्रेम्स मंगाए हैं And very very good quality, so you can definitely check them out. Coming to the next thing, it is this macrame wall hanging. So, we have मैक्रो में वॉल uh, हैंगिंग्स लेने का क्योंकि मुझे वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं बट मुझे ऐसा लग रहा था कि दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैं ऐसे अपना रूम डेकोरेट कर रही हूँ तो मुझे ना दिमाग में से विजन नहीं आ रहा था कि कहाँ पे उसको हैंग करूँगी कैसे वो अच्छा लगेगा तो पहले मैं दो ऑर्डर कर रही थी डिफरेंट डिफरेंट बट देन आई थॉट कि पहले एक ही मंगा के देखती हूँ इफ़ इट लुक्स गुड एंड इफ आई लाइक इट एंड इफ़ आई नीड इट तो ही मैं दूसरा मंगाऊंगी तो मैंने अभी ये वाला ऑर्डर किया है और मुझे इतना ज़्यादा सुंदर लगा वाओ बहुत सुंदर है इसके साथ पहले तो ये बैटरी ऑपरेटेड ये आई है वट डू यू कॉल दिस फेरी लाइट फेरी लाइट दिस इज अ बैटरी ऑपरेटेड फेरी लाइट तो अगेन आपको प्लग नहीं करना पड़ेगा इसको जलाने के लिए तो ये इसी के ऊपर ऐसे डेकोरेट करने के लिए आई है ताकि थोड़ा बहुत यू you नो know, वैसे स्टार स्टार से लुक आता है so this is what the wall hanging looks like let me open it so this is like this तो so, आपको ये मिलता है hang करने के लिए and then you have this wooden rod ये wood का है एंड देन दिस इज द ब्यूटिफुल मैक्र में डिजाइन ही और उसके बाद इसमें यहाँ पे ऐसे बेंच टाइप का भी है तो इसमें आप कुछ भी प्लांटर्स या यू uh, नो you know, कोई से भी छोटे छोटे डेकोर पीसेज रख सकते हो सो इट इज वेरी 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 प्रिटी और काफी ज्यादा न्यूट्रल स्थेटिक है इसका यू नो वाइट कलर है तो आप इसको किसी कलर्ड वॉल पर भी लगा सकते हो अच्छा कॉन्ट्रास्ट देगा आप इसे बेस्ड वॉल पर भी लगा सकते हो मैंने लगा के देखा अच्छा लग रहा है बट uh, काफी बड़ा है बट मैंने जो इमेजिन किया था उससे ज्यादा बड़ा साइज है इसका तो अगर मुझे नीड हुई तो ही मैं दूसरा मंगाऊंगी बट मुझे लग नहीं रहा कि मुझे दूसरा मंगाने की जरूरत है दिस वुड सफाइज एंड आई एम इन लव विद दिस मैं मैक्रोमे के छोटे छोटे वॉल हैंगिंग्स या यू नो प्लांटर्स भी आते हैं देन मैक्रोमे के क्वेश्चन कवर्स भी आते हैं मैं जरूर ट्राई करने वाली हूँ बिकॉज आई लव इट लुक्स तो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट uh, की तरफ वो है ये छोटा सा टेबल सो फर्स्टली दिस इज़ वॉट इट केम इन इट इट केम इन अ कार्डबोर्ड पैकेजिंग लाइक दिस और ये अंदर से ऐसा है ये जो टेबल का यू नो टॉप है एंड ये इसके तीन लेग्स हैं तो आप इसको इन इसमें ऐसे स्क्रू करके और uh, खड़ा कर सकते हो तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है वुड का है एंड बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है इट इज वेरी गुड क्वालिटी मैं इसे इतनी अच्छी क्वालिटी का एक्सपेक्ट कर नहीं रही थी बट इट इज़ वेरी वेरी गुड क्वालिटी अब मैंने इसे इसलिए मंगाया बिकॉज जैसे आपको पता होगा कि पहले जब मैं अपने वीडियो शूट करती थी ना तो मैं बेड पे बैठ के करती थी सो आई हैड अ प्लेन वॉल बिहाइंड मी तो कभी कभी ना जैसे अभी मैंने ये दो एलिमेंट्स इधर रखे बैकग्राउंड में तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे कि आ, पीछे बैकड्रॉप में यू नो छोटे 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 एलिमेंट्स हो तो उसको बेड पे रखने के लिए अगर मैं बेड पे रख दूँ तो ना काफ़ी लो हाइट हो जाती थी सो इट डेंट लुक गुड ऑन कैमरा एंड आद टाइम वो कैमरा पे आता ही नहीं था सो आई वॉन्टिड समथिंग जो अच्छा भी हो अस्थेटिक हो और ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो क्योंकि मुझे बेड पर ही उसे रखना है जस्ट फॉर वीडियोज सेक और फिर मुझे वो हटाना ही है तो आई वॉन्टेड समथिंग जो पोर्टेबल हो तो इसके ना लेग्स हटा के वापस डब्बे में डाल के आप साइड में रख भी सकते हो सो so, उस पर्पज से मैंने मंगाया था सो या इट वुड हेल्प मी इन द बैकड्रॉप और कभी कभी जैसे मैं प्रोडक्ट शॉट्स लेती हूँ ना तो इसके ऊपर वो फर वाला वाइट कपड़ा बिछा के एंड देन आई टेक माई प्रोडक्ट शॉट्स बहुत अमेजिंग शॉट्स आ रहे हैं आजकल सो या आई एम ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट अलॉट विद माई बैकड्रॉप्स विद माई वीडियो क्वालिटी एंड आई होप आपको अच्छा लग रहा हो सर so, जो नेक्स्ट चीज़ मैंने ऑर्डर करी वो ये लाइट है ये एक ऐसे बॉक्स में आई है यह अमेजॉन बेसिक्स ब्रांड की है तो ये मेरी फ्रेंड के पास है विप्रो ब्रांड की थी उसके पास तो जब मैं ऑर्डर कर रही थी तो मुझे अमेजोन बेसिक्स की मिल गई बिकॉज वो वाली ना आउट ऑफ स्टॉक थी तो मैंने इसी को ऑर्डर कर लिया ये भी सेम वैसी ही है सो so, ये रिंग लाइट की शेप में है एंड दिस इज द लेंथ ये ज्यादा लंबा भी नहीं है ज्यादा छोटा भी नहीं है एंड आप ये काफी ज्यादा फ्लेक्सीबल है तो आप इसको अपने अकॉर्डिंगली यू नो हाइट एडजस्ट कर सकते हो एंड देन एंगल वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हो सो so, ये मैंने इसलिए मंगाया बिकॉज जैसे कभी मुझे क्विक शूट करने रहते हैं ना तो इतना बड़ा सेटअप करना फिर उसको संभालना ना बहुत ज़्यादा टीडियस हो जाता है तो मैंने इसे मंगा लिया तो इसको यहाँ पे रखे हैं कहीं पे भी रखे एंड देन आई सेट माई कैमरा और मे बी माई फ़ोन तो एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ लाइट क्योंकि मेरे रूम की लाइट थोड़ी कम पड़ जाती है वीडियो डल हो जाती है सो so इसलिए मैंने इसे मंगाया है एंड आप इसे रीडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो ऑफकोर्स uh, काफ़ी क्योंकि इसकी लाइट अच्छी है एंड द मेन थिंग जो मुझे इसमें पसंद आई वो थी कि इसमें तीन लाइट के कलर्स हैं यू हैव वार्म वाइट देन यू हैव कूल वाइट देन यू हैव द बेसिक वाइट सो दिस इज़ वेरी कूल एंड देन द थिंग इज़ कि आप इसको ऐसे लॉन्ग प्रेस करके रखो सो so इसकी लाइट डिम हो गई एंड देन यू प्रेस इट लॉन्ग अगेन और इसकी लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई सो so, इसकी लाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है मुझे बहुत पसंद आया था और जो लास्ट चीज़ मैंने मंगाई थी वो है ये स्किन केयर रोटेटिंग स्टैंड तो ये तो मुझे लेने का काफ़ी टाइम से मन था बट मुझे uh, श्योर नहीं था कि मैं इसको कहाँ पे रखूँगी बट देन मैंने ये मंगाई लिया और uh, अभी मेरे पास है नहीं बिकॉज ये मैं सेट कर चुकी हूँ उठा के लेके आ जाती हूँ एक सेकेंड सो दिस इज़ वॉट इट लुक्स लाइक इट इज़ वेरी हैवी मुझे डर लग रहा है मैं कुछ गिरा ना दूँ तो ये ना सब अलग अलग पार्ट्स में आया था इसका टॉप वाला सर्कुलर ये अलग आया था बॉटम का अलग आया था और ये जो साइड में ये वाली ये भी अलग से ही आई थी और ये जो आ, वर्टिकल पार्टिशन हैं ये भी अलग से आए थे फिर मैंने इन्हें पूरा असेंबल किया था आ, वो भी एक व्लॉग में है सो so, ये ऐसे रोटेट होता है और ये काफ़ी सारे इसमें सेक्शन हैं और ये जो ट्रेज है ना इनको आप रिमूव करके अपने अकॉर्डिंग भी हाइट एडजस्ट कर सकते हो सो so, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि इसमें एक ही यू नो एक ही इसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आ गए तो मैं जितना भी स्किन केयर डेली यूज़ करती हूँ वो मैंने इसमें सेट कर दिया एंड जो थोड़ा बहुत मेकअप मुझे क्विक ऑन द गो रेडी होने चाहिए होता है वो मैंने ऊपर रख दिया सो इट इज वेरी वेरी कन्वीनियंट सो यार मुझे ये काफी ज्यादा पसंद आया इसमें तीन कलर ऑप्शन है यू गेट ट्रांसपेरेंट वाइट एंड ब्लैक अब मैंने व्हाइट मंगा लिया तो मुझे लग रहा है कि मुझे ट्रांसपेरेंट मंगाना चाहिए था और uh, मेरी मम्मी को लग रहा है मुझे ब्लैक मंगाना चाहिए था बट वही है ना जो आ गया अब ठीक है तो फिर मैंने ये रख लिया रिटर्न नहीं किया बट इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है आप इसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हो अगर आप अपना स्किन केयर ऑर्गेनाइज़ या मेकअप ऑर्गेनाइज़ या इनफैक्ट रूम में कुछ भी स्टेशनरी भी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए uh, कुछ आपको चाहिए ना तो ये बहुत अच्छा तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है अब मैं इसको रख के आ जाती हूँ इससे पहले कि ये पूरा खाली हो जाए यहीं पे। तो so, यार yeah, ये सारे प्रोडक्ट्स थे जो मैंने अमेजोन से मंगाए थे अभी ये लास्ट प्रोडक्ट है जो मैंने अमेजोन से नहीं मंगाया था जब मैं मॉल गई थी शॉपिंग के लिए तो ये मैं सुपर 99 नाइन है स्टोर नाइन्टी कुछ ऐसे ही उस वाली स्टोर का नाम है तो मैं इसे वहाँ से लेके आई थी सो so, ये एक वॉल क्लॉक है काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल एस्थेटिक है इसका और ये गोल्डन रिम था तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी इसमें ये पीछे जो ब्लैक कलर है ना इसमें वाइट और रोज गोल्ड भी था बट हमारे घर में सबको यही पसंद आ रही थी मेरे रूम में कोई क्लॉक है नहीं पहले लगाई थी फिर मैंने हटा दी अब मेरा मन कर रहा है कि फिर से लगा लूँ बिकॉज टाइम वाइम देखने के लिए ना फिर फ़ोन ढूंढना रहता है तो इससे सामने एक क्लॉक होनी चाहिए तो मैंने ये मंगा ली सो या दीज वो ऑल द प्रोडक्ट्स जो मैंने अपने होम डेकोर के लिए मंगाए हैं टेकिंग अ लिटिल गिव अवे ब्रेक सो गिव अवे के रूल बहुत सिंपल होने वाले हैं सबसे पहला रूल होगा यू हैव टू सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आपके गिव अवे में एंट्री काउंट नहीं होगी सो हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन और उसके बगल में नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर देना सेकेंड बुड भी टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम मैं अपना हैंडल यहाँ पे लिख दूंगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी सो मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम मैं वहां पे भी बहुत अमेजिंग ब्यूटी कॉन्टेंट डालती हूँ सो या आई होप यू लाइक दैट एंड द थर्ड रूल इज टू कॉमेंट ऑन दिस वीडियो गो डाउन और मुझे कॉमेंट में बताओ कि आज की वीडियो का आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था या आई होप यू पार्टिसिपेट इन द गिव अवे और काफी सारी वीडियोस में एकदम लाइन से गिव अवे आने वाले हैं बिकॉज दिवाली पे मैंने सीरीज प्लान करी थी वो तो मैं कर नहीं पाई बट आई वॉन्टेड टू थैंक यू गाइज फॉर सपोर्टिंग मी टिल हियर तो इसीलिए ये सीरीज ऑफ गिव अवेज सो so, मेरी बाकी वीडियोज भी चेक करो और गिव अवेज में अपनी एंट्रीज करो ताकि यू विन अमेजिंग प्रोडक्ट्स एंड या विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ टूडेज वीडियो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो लाइक करो वीडियो को एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं सो यू कैन चेक वॉट एवर यू लाइक एंड या अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल ऑल्सो एंड या आई विल सी यू सुपर सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी बाय बाय